अगर आपकी आंखों में नंबर 6/18 है, यानी जिसे हम चार्ट पर जब चेक करते हैं तो आप 6/18 लाइन तक पढ़ पाते हैं, तो फिर आप क्या करें? बहुत सारे लोगों ने इस बारे में पूछा है कि अगर हमारा विज़न 6/18 है तो हमारे लिए क्या बेस्ट है। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। अगर आप नॉर्मल पर्सन, मतलब एज ए नॉर्मल पर्सन, आपको आपका बिजनेस है, आपका कोई काम है, या फिर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, या फिर आपको आगे कोई ऐसा जॉब नहीं करना है जो गवर्नमेंट जॉब है या फिर ऐसा है जिसमें फिज़िकल टेस्ट होता है, तब आपके लिए सबसे बेस्ट है कि उसमें आप चश्मे का यूज़ करें। अब दूसरी बात वो आ जाती है कि अगर आपको जॉब करनी है, आपका डिफेंस में कहीं जाने का है, या फिर ऐसी कोई जॉब चाहे जिसमें कि आँखों का विज़न ज़रूरी होता है 6/6, तो ऐसी स्थिति में तो फिर आपको कुछ एक प्रोसीजर है जो आप कुछ क्या बल्कि इसमें एक ही प्रोसीजर ऐसा है जो आप करा सकते हैं अभी तक के प्रेजेंट टाइम में, जिसे हम कहते हैं एपिकॉन्ट्रा। मैं समझता हूँ कि प्रेजेंट टाइम में तो आप इसे करा सकते हैं, लेकिन इन फ्यूचर अगर मेडिकल टीम और ज़्यादा अपडेट हो गई या फिर हमारे गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं वो और थोड़े चेंज हो गए, तो उसमें हो सकता है कि इस प्रोसीजर को भी मेडिकल में एक्सेप्ट ना किया जाए। लेकिन फ़िलहाल प्रेजेंट टाइम में ये आप करा कर जा सकते हैं और इस प्रोसीजर से आपको किसी भी तरीके का कोई आगे प्रॉब्लम जो आती है उस तरीके की नहीं आएगी आपके विज़न से संबंधित। तो ये जो एपिकॉन्ट्रा है उसकी कुछ क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया ये है कि वो आप अगर -4 तक का आपका नंबर है तो आप इसे करा सकते हैं। -4 तक का नंबर इससे क्योर हो जाता है और आंखों में किसी तरीके की कोई चश्मे की फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप नॉर्मल नेकेड आई से आराम से देख सकते हैं। अब आपका ये भी इसमें सवाल होगा कि अब हम इसको कराएं कहाँ पर, तो कराने के लिए कुछ स्पेशल कुछ सेंटर्स हैं जहाँ पर ये होता है, ये हर जगह नहीं होता, तो आइए उसके बारे में भी जान लेते हैं। इस प्रोसीजर के संस्थानों की अगर हम बात करें कि कहाँ आप इसे करा सकते हैं, तो ये भारत में कुछ ही जगह हैं जहाँ पर प्रेजेंट टाइम में होता है। इन फ्यूचर हो सकता है ये और सेंटर्स पे भी होने लगे, लेकिन प्रेजेंटली ये भारत में कुछ ही जगहों पर होता है जहाँ पर आप इसे करा सकते हैं। इसके लिए मैं आपको स्क्रीन पर इसकी लिस्ट लगा देता हूँ और आप इसको देख सकते हैं कि इन इन संस्थानों में ये भारत में होता है, और यहाँ पर आप जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनके एड्रेस, इनके फ़ोन नंबर्स आपको गूगल से मिल जाएंगे, आप वहाँ पर इनको फाइंड आउट करिए और यहाँ पर पता करिए। अगर आप इसके प्राइस के बारे में बात करेंगे तो ये 90,000 के आसपास इसका खर्चा आता है दोनों आँखों का। तो आप अपना प्लान कर लीजिए कि आपको क्या कराना है, कराना भी है या नहीं कराना है। जो आपका क्वेश्चन ये था कि 6/18 क्या क्योर हो सकता है, तो क्योर हो सकने के संदर्भ में मैंने आपको ये सब बताया है कि बिल्कुल ये क्योर हो सकता है। दूसरा एक ऑप्शन और भी है जिसे हम कॉन्ट्यूरा विज़न कहते हैं, ये भी एक लेसिक की टेक्नोलॉजी है। जैसे हमने एपिकॉन्ट्रा के बारे में अभी आपको बताया कि ये भी एक लेसिक प्रोसीजर है, और जहाँ पर कॉन्ट्यूरा विज़न है वो भी एक लेसिक प्रोसीजर है, तो वो भी आप करा सकते हैं और वो आपका हाईएस्ट नंबर भी क्योर कर देता है। उसमें तो मतलब कहते हैं कि -8 या उसके आसपास या उसके आगे की भी नंबर जो होते हैं वो भी आपके क्योर हो जाते हैं। तो इन द फ्यूचर टाइम मैं समझता हूँ कि उसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा, और इन नंबरों को जितने भी हाईएस्ट नंबर होते हैं उनमें कितने कितने और ज़्यादा आगे चल के वो क्योर हो सकते हैं, उसकी अपडेट जानकारी हम आपको आगे भी देंगे। फिलहाल प्रेजेंट टाइम में अगर आप इन सेंटर्स से कॉन्टैक्ट करते हैं जिसकी हमने अभी आपको लिस्ट दिखाई थी, यहाँ से भी आप पूरी अपडेट जानकारी यहाँ से ले सकते हैं और वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आपका आज का रहा कि 6/18 अगर मेरा विज़न है तो क्या मैं इसे ठीक करा सकता हूँ, तो बिल्कुल करा सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि सबसे सेफ और सबसे अच्छा जो ऑप्शन आपके लिए है वो सबसे पहला है, जिसको हम चश्मा कहते हैं। तो चश्मा सबसे अच्छा है, लेकिन अगर कोई कंपल्शन है, कोई मजबूरी है, जैसे शादी है या फिर कोई और जॉब का कंसर्न है, तो उसमें आप पहले अच्छे से डॉक्टर से इस बारे में डिस्कशन कर लीजिएगा इस प्रोसीजर को कराने के लिए, क्योंकि जॉब के कंसर्न में सिर्फ एपिकॉन्ट्रा ही सबसे सही है और उसे आप करा सकते हैं। और उसके बाद फिर इस प्रोसीजर को जब एश्योरेंसेज आपको वहाँ से भी सेंटर से मिल जाए जो लोग इसको कर रहे हैं, तब आप इसके बारे में सोचिए। डॉक्टर से वहाँ पर ये जो अभी जो मैंने लिस्ट दी है आपको, वहाँ से इस बारे में पूछना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो लोग भी बहुत अपडेट रहते हैं,
प्रेजेंट जो भी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उसके बारे में, साथ ही साथ जो मेडिकल हो रहे हैं जो जॉब के कंसर्न में उसके संबंध में भी वो अपडेट रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पर सेंटर्स पर सिर्फ इसी वजह से आँखों की लेसिक कराने आते हैं कि उनको जॉब में दिक्कत आ रही है। तो इसलिए एक करेक्ट और करंट इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से भी मिल सकती है, साथ ही साथ यहाँ से तो मैंने आपको दी है, लेकिन अगर इसके अलावा भी आपके बहुत सारे कुछ सवाल हैं तो आप मुझे डेफिनेटली नीचे कमेंट ऑप्शन में कमेंट कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। साथ ही साथ एक बात मैं और भी कहना चाहूँगा कि जब आप ये वीडियो देखते हैं तो इसका फीडबैक ज़रूर दिया करें, और इससे हमें एनर्जी मिलती है। तो उसके दो तरीके हैं, एक तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ आपकी ही समस्या को सॉल्व करने के लिए फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।